नमस्कार मित्रों, गायत्री रेखी एक स्पर्श चिकित्सा में मैं तरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी दीक्षा वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है और आज हम जो चीज़ देखेंगे वह है सेवन चक्राज मेडिटेशन। सात चक्रों का ध्यान हम कैसे करें, सात चक्रों का ध्यान। और यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग रेकी में कुछ पाना चाहते हैं, रेकी से कुछ समाज को देना चाहते हैं वह लोग, अन्यथा बाकी लोग इस वीडियो को स्किप कर दे क्योंकि यह वीडियो उनके लिए नहीं है। यह वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझें। अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको सेवन चक्रास का मेडिटेशन समझ में आएगा। और यह जो वीडियो है यह आपको आपके चक्र जागरूक में मदद करेगा। हम सात चक्रों की जानकारी के साथ साथ इस वीडियो को कौन से मंत्र के द्वारा उस चक्रज को हम एक्टिव कर सकते हैं ये चीज़ को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि गायत्री रेखी, यह हमारे 24 शक्ति केंद्र जो होते हैं हमारे शरीर में, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और हमारे जो सेवन चक्रज जो होते हैं, सेवन चक्रज कौन से है सेवन चक्र, तो सेवन चक्र जो है वह है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। यह हमारे शरीर के सात चक्र है। तो हम मूलाधार से शुरू करेंगे। मूलाधार यह चक्र जो है यह गुप्तांग और गुदाद्वार के बीच में स्थित होता है। यह तिकोनी स्थान होता है। यह भौतिक जीवन शक्ति का मूल स्थान है जो जीवन में हमें प्रेरणा देने का काम करता है। जिनका यह चक्र जागृत नहीं होता है, यह चक्र यहाँ इसी चक्र में एनर्जी जिनकी रुकी हुई होती है, वह काम और भोजन यह दो कार्यों में लिप्त रहता है। और यहाँ पर कुंडलिनी नामक शक्ति जो है यह स्थित होती है। मूलाधार चक्र जो है यह चार दलों वाला कमल होता है। योगी इसे प्राणायाम तथा ध्यान की शक्ति से जागरूक करते हैं और इस कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ उठाते हैं जो सभी चक्रों को बेचती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। यह चक्र जो है पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इससे संबंधित जो रोग होते हैं वह होते हैं एड्रिनल ग्रंथि, किडनी, मूत्र थैली। इसका कार्य होता है भौतिक शक्ति का सृजन। यह चक्र ठीक से कार्य ना करने पर शरीर में उदासी, जड़ता, भारीपन तथा अस्थि रोग उत्पन्न होते हैं। तो मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए लम लम इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो मूलाधार चक्र यह इसके ब्लॉकेज हट जाते हैं। उसी तरीके से स्वाधिष्ठान जो चक्र होता है यह लगभग नाभि से 3 इंच नीचे की तरफ स्थित होता है। यह चक्र व्यक्ति में अहम भाव तथा काम शक्ति का केंद्र माना जाता है। इस चक्र में हमारे दोनों पैर, प्रजनन ग्रंथियां, प्रजनन कार्य करने वाले अंग इससे संबंधित है। योग शास्त्र के अनुसार यह चक्र 6 दलों वाला कमल माना जाता है तथा जल तत्व से संबंधित होता है। इसके प्रतिकूल प्रभाव से कफ, काशी, श्वास रोग तथा मूत्र रोग होते हैं। जब यह चक्र जब हमारा इसके ब्लॉकेज जब हट जाते हैं तो हमारे अंदर का अहम भाव नष्ट हो जाता है और हम हमारे काम शक्ति पर काबू पा लेते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र को जागरूक करने के लिए हम एक जो सिंगल मंत्र है वह है वम
वाम तो वम इस मंत्र का जाप कर आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। उसी तरीके से तीसरा जो चक्र है वह है मणिपुर चक्र। यह हमारा बुद्धि और बल का प्रतीक माना जाता है। यहीं से हमें भौतिक ऊर्जा का वितरण होता है। भय की स्थिति में यह कड़ा पड़ जाता है। योगी जन इसे 10 दलों वाला मानते हैं। इससे संबंधित जो अंग होते हैं वह होता है हमारा आमाशय, पित्ताशय, पाचन तंत्र संबंधित अंग। यह अग्नि तत्व से संबंधित है। इसके प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अतिसार, संग्रहणी तथा रक्त संबंधित रोग हो सकते हैं। यह शक्ति व बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। तो यह जो चक्र है हमारा मणिपुर चक्र, यह जब इसके ब्लॉकेज जब हट जाते हैं तो इंसान के मन से बुद्धि, इंसान के मन से भय दूर हो जाता है तथा उसकी बुद्धि एवं बल का विकास हो जाता है। इस चक्र को जागरूक करने के लिए, इस चक्र के ब्लॉकेज हटाने के लिए हमने रम 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 इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चौथा जो चक्र है हमारा वह है हार्ट चक्र। यह हृदय के सीने के करीब मध्य में यह चक्र स्थित होता है। आध्यात्मिक विकास, भक्ति साधना एवं प्रेम का प्रतीक यह 12 दलों वाला कमल होता है। भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार इस चक्र के जागरण का अत्याधुनिक महत्व है, क्योंकि निस्वार्थ भाव के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। महान पुरुष जो हुए हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता जी, भगवती देवी शर्मा, इसके ज्वलंत उदाहरण है। इस चक्र से संबंधित रोग जो है वह है हृदय के रोग, ब्लड सर्कुलेशन, लीवर के रोग, और यह वायु तत्व का चक्र है। इसके असंतुलित होने पर व्यक्ति निराश एवं पीड़ा से भर जाता है। इमोशन के लिए खास तौर पर यह चक्र माना जाता है। हमारा अगर हम इस चक्र को जागृत करते हैं, इस चक्र को हम अगर इसके ब्लॉकेज हटाते हैं तो हम इन संबंधित रोगों से तो मुक्त होगे, साथ साथ हमारी आध्यात्मिक साधना एवं आध्यात्मिक विकास एवं भक्ति में हम सफलता प्राप्त करेंगे। इस चक्र को जागृत करने के लिए जो मंत्र है वह है यम यम यम। हमारा पांचवा जो चक्र है वह है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। यह जो चक्र है यह 16 दलों वाला कमल माना जाता है। और अपने मनोभाव तथा अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, डिस्टेंस हीलिंग का प्रमुख केंद्र यह है। योगी जन इसे कर्मेंद्रिय वाणी का प्रतीक मानते हैं और इसका गुण शब्द है। सदैव सत्य बोलते रहने के इस चक्र की शक्ति जागृत हो जाती है तथा वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। मतलब वाणी जयी हो जाता है, वह व्यक्ति जो बोलता है वही होता है। इससे संबंधित अंग, अगर यह चक्र ज़्यादा है, हम असत्य ज़्यादा बोलते हैं, और तो थायराइड ग्लैंड, गला, थ्रोट, लंग्स, हार्ट, लीवर और ब्लड सर्कुलेशन का विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। कफ जनित रोग हमें होते हैं, वजन कम या ज़्यादा हो जाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए हम 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 छठा जो चक्र है वह आज्ञा चक्र, थर्ड आइज, दोनों भवों के बीच स्थित होता है। 2 दल वाला कमल, अंतर्ज्ञान का विकास होता है। आज्ञा चक्र के जागरण एवं विकास से हम किसी भी व्यक्ति से, कहीं पर भी बैठे हुए व्यक्ति के साथ में बातचीत कर सकते हैं
और भावी घटनाओं का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इससे संबंधित अंग जो है सुषुम्ना नाड़ी, आंख, नाक, कान तथा हमारा नर्वस सिस्टम, और यह अंत प्रेरणा का इच्छाओं का चक्र है। यह चक्र जिनका जागरूक हो जाता है वह महान व्यक्ति बन जाते हैं। और इसका जो मंत्र है वह है ओ इस मंत्र का जाप करने से थर्ड आई हमारा ब्लॉकेज हट जाते हैं थर्ड आई के। और सातवां जो चक्र है वह है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र हमारे सर के ऊपर मध्य भाग में स्थित होता है। यह सहस्त्र दल वाला कमल होता है और यह पूर्णता निराकार है। योगीजन समाधि लगाकर संपूर्ण चेतना को यहीं केंद्रित करते हैं। यह चक्र ध्यान की उत्तम स्थिति, अंतर्ध्यान एवं दिव्य प्रकाश की उपलब्धि का होता है। यहाँ पे इस चक्र को जागृत करने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर केवल शब्द हीन हो जाता है। यह शांत चक्र होता है। जैसा कि यहाँ पर जो ध्वनि सुनाई देती है उसको मैं आपको इस तिबेटियन बॉल के द्वारा आपको सुनाऊंगा। आप एक दो मिनट के लिए आँखें बंद कर कर इस बॉल का, इस साउंड का अनुभव करें। आंखें बंद कर ले और अनुभव करें। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सेवन चक्रास का मेडिटेशन अगर हम उसका एक वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो हम उसमें कोई जानकारी नहीं देंगे, सारे मंत्रों का जाप शुद्ध रूप से हम कैसे कर सकते हैं, और एक 10 से 15 मिनट अगर हम हमारे चक्रास को अगर दे रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, इसका अनुभूति हम कर सकते हैं। तो जो लोग ये वीडियो पूरा देख रहे हैं उन लोगों ने कमेंट ज़रूर देना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका मेडिटेशन का एक पूरा वीडियो बने तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।